हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। आज का एपिसोड बहुत ही बढ़िया एपिसोड, एकदम इमोशनल और टाइट एपिसोड। कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां पे हम सोचे कि बोर हो गए या फिर फास्ट फॉरवर्ड करें, कुछ नहीं था। सारा एपिसोड ऐसे देखा जैसे कुछ सामने ही हो रहा है। तो बढ़िया एपिसोड और बढ़िया आपके रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, कल नवीन सर के दोनों ही अपडेट बहुत ही बढ़िया थे और बात सच भी हो गई। और आज आद्या गाड़ी में बैठ गई, वो बहुत खुश है। यहाँ अनु भी आद्या की राह देख रही है, वो अनुज को भी देख रही है। अनु को घबराहट भी हो रही है। जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, आपका बर्थडे गिफ्ट आ रहा है, अनु मन में बोल रही है। छोटी ने पूछा, मंदिर पीछे चला गया, पता है। मेघा ने आद्या की फैमिली फ़ोटो आद्या को दिखाई, आद्या सब समझ गई, वो डर भी गई, लेकिन कान्हा जी ने उसकी प्रार्थना सुन ली और मदद भी की। कान्हा जी की झांकी ने रास्ता रोका मेघा का, आद्या स्मार्ट मूव, आद्या ने भी मौका देखकर और मौके का फ़ायदा उठाकर कार से निकल गई और भागी मंदिर की तरफ। अनु भी आद्या की राह देख रही थी। आद्या मंदिर जैसे तैसे करके पहुंची, जैसे ही वो मम्मी आवाज़ देने वाली थी तभी मेघा आ गई और उसका मुंह दबाकर उसे छुपा दिया। जैसे ही लेकर जाने लगी वैसे ही आद्या मम्मी मम्मी करते हुए चिल्लाने लगी। अनु ने देख लिया, आ गई अनु मेघा की गाड़ी के सामने। आज एक माँ चट्टान की तरह खड़ी रही मेघा की गाड़ी के सामने। अनुज ने भी आंखें खोली, अनु नहीं दिखी तो वो उसे ढूंढने लगा, वो बाहर तक चला गया। उसे अनु से बात करनी है, उसे भी बेचैनी हो रही है। वो भी बोल रहा है कि मुझे इतनी बेचैनी क्यों हो रही है, क्योंकि अनु, हाँ अनुज, आपकी दोनों अनु की जान खतरे में है। तभी बाला काका और सागर आ जाते हैं और उसे फिर से मंदिर में ले जाते हैं, लेकिन अनुज का मन नहीं लगता इसलिए वो फिर से बाहर आ जाता है। यहाँ अनु मेघा को समझा रही है लेकिन वो मानने के तैयार नहीं है कि ये आद्या है। अनु कहती है ये अनुज की छोटी है। उसने कहा भी कि इसके पापा जिंदा लाश बन गए हैं, ये मेरी छोटी है, ये मेरे अनुज की आद्या है। माँ की आँखों को, आँखों का एक ही तारा है, ये मेरी आँखों का तारा है, आपकी आँखों का नहीं। सही कहा अनु ने, अगर ये प्रिया होती तो आपको इसे कैद करके रखने की ज़रूरत पड़ती क्या? इसके साथ जोर जबरदस्ती जस्ती करने की ज़रूरत पड़ती क्या? मेंटल औरत है ये, पागल खाने भेजो इसे। वेरी इमोशनल सीन, फर्स्ट माँ बेटी और सेकंड पापा बेटी का मिलन फाइनली, अब ये बेटी पॉप्स का मिलन भी हो गया। अनु ने कान्हा जी से कहा, सॉरी कान्हा जी, मुझे जाना पड़ेगा, कहीं मेरी बेटी भीड़ में खो नहीं गई हो। और कितना इंतज़ार कान्हा जी, सब लोग कान्हा जी की भक्ति में लीन है। अनु के पैर में नारियल का सख्त वाला हिस्सा चुभ गया, पैर में से खून निकल रहा है, लेकिन वो छोटी के पीछे भाग रही है। मेघा ने आद्या को कार में बिठाया और जैसे चलने लगी वैसे ही सामने अनु खड़ी थी। अच्छा हुआ एक्सीडेंट नहीं हुआ, बच गए दोनों। कैसी ममता है, कैसा प्यार है कि माँ अपने बच्चे के बारे में नहीं अपने बारे में सोच रही है। सही कहा अनु ने कि मैं अपनी बेटी को कैसे छोड़ दूँ। मेघा ने अनु को धक्का मारा, अनु गिर गई और अनु ने कहा, माए एक दूसरे का दर्द बांटती, एक दूसरे को दर्द नहीं देती। मेरी छोटी आपके पास है तो आपने अपनी प्रिया को ढूंढा ही नहीं, ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाता है तो प्रिया भी मिल जाएगी। मेरी बेटी कैसे तड़प रही है अपने माता पिता के लिए, प्लीज़ मेरी बेटी को छोड़ दीजिए। अनु को गिरा कर मेघा छोटी को लेकर जा रही थी, तभी अनु ने छोटी का हाथ पकड़ा। दोनों माँ ये हाथ खींच रही थी, तभी अनु को छोटी को दर्द हो रहा है इसलिए वो हाथ छोड़ देती है। एक पल के लिए तो लगा कि छोटी अनु को गलत ना समझे, लेकिन नहीं। जब अनु ने पूछा कि बेटा तेरा हाथ तो दर्द नहीं हो रहा,
तब वो समझ गई। लेकिन मेघा कितनी पागल है, कहती है कि तुमने क्यों छोड़ दिया, तुम हमारी बेटी नहीं है इसलिए छोड़ दिया। अरे पागल, उसकी बेटी को दर्द हो रहा है, तुम अगर माँ होती तो तुम अपनी बेटी का दर्द समझती, लेकिन वो तुम्हारी बेटी नहीं है तो तुम क्या दर्द समझोगी। अनु ने कहा, इतने बड़े बिजनेस टाइकून अनुज कपाड़िया, पता है मुझे साधुओं की टोली के साथ ऐसे घूमते हुए मिले, वो जिंदा लाश बन गए हैं, उनका क्या हाल है मैं बता भी नहीं सकती। मेरी बेटी 6 साल बाद मिली है, उसका प्यार मिला है, आप मेरी बेटी की दोस्त बन जाइए ना, मेरी बेटी को जब चाहे आप मिल सकती है, हम दोनों मिलकर उसे प्यार देंगे। छोटी की तड़प नहीं देखी गई आज तो, माँ की लाचारी बेटी की तड़प देखी गई नहीं देखी गई, सच में रोना आ गया। पागल मेघा क्या बोल रही है कि तुमसे प्यार नहीं करती। अनु ने मेघा की आंखों में धूल फेंकी। अनु ने कहा, भागो छोटी भाग, मंदिर में तेरे पापा है, उनके पास जा बेटा। लेकिन वो अपनी मम्मी के बिना नहीं जाना चाहती थी, और वो यही कह रही थी कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसने अपनी मम्मी को उठाया और अपने साथ लेकर गई। आज अनुज किस एंगल से पागल लग रहा है, बिल्कुल ठीक लग रहा है। जब 2 दिन पहले अनु को ब्लेम कर रहा था तो सब कह रहे थे कि इसकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, आज तो ऐसा कुछ नहीं लगा। जब आपसे अपसेट हो जाता है, बेटी को खोने का दर्द पड़ता है, तो एक फर्स्ट पिता बन जाता है। लेकिन जब अनु हमने सामने नहीं होती तो अनु को मिस करता है, अनु का अनुज बनकर उसकी चिंता करता है, आखिर अनु से बहुत बहुत प्यार करता है। छोटी ने अपनी मम्मी को उठाया और लेकर मंदिर की तरफ चली गई। अनुज यहाँ पर परेशान हो रहा है। आ गई अनु छोटी को लेकर मंदिर। एक छोटा बच्चा अनुज से टकराता है। अनुज पूछता है, ये क्या है? तो ये कान्हा जी का बर्थडे कार्ड है, मैं उनके चरणों में रखने जा रहा हूँ। तब अनुज कहता है, मेरा भी बर्थडे है। तब उसने विश किया, बोला, आज मैं खुद काना बना हूं तो ये आपको देता हूं। और बाल गोपाल ने आशीर्वाद दिया कि आज के दिन आपको आपके बर्थडे पर वो मिल जाएगा जो आपको चाहिए। अनुज को एहसास हुआ, उसने देखा। अनु ने छोटी को दिखाया। अनुज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वेरी इमोशनल सीन। आज तो मान फैमिली ने रुला दिया जब कहा, हैप्पी बर्थडे कपाड़िया जी, हैप्पी बर्थडे। सब लोग बाहर आ गए, सहा परिवार और आशा भवन वाले भी। हमारी छोटी आपकी आद्या, मेरी तरफ से आपको आपके जन्मदिन का तोहफा स्वीकार कीजिए कपाड़िया जी। मान हैप्पी फैमिली अगेन। देखो आद्या बेटा, अपने पॉप्स का क्या हाल बना दिया तुमने, अपने पापा का। फाइनली अनुज को उनकी छोटी मिल गई और माफी भी मांग ली अनुज ने, अनु से। अनुज ने साथ साथ अनुपमा से माफी भी मांगी। वाह, अनु ने अनुज का हाथ पकड़ा और आद्या का हाथ अनुज के हाथ में दिया। किंजल, मीनू, पाखी, तोशु, बापूजी, बा, सब भी, पाला काका, सब भी खुश थे। आद्या को देखकर, ये क्या, मेघा चाकू लेकर आ रही है, वो छोटी की तरफ बढ़ रही है। चलो, अनु ने देख लिया। जैसे ही वो आद्या को मारने वाली थी, अनु ने छोटी के आगे आ गई और नहीं बोला, और मेघा का चाकू सीधा अनुपमा के पेट में लग गया। आज एक माँ की जीत हुई, अपनी बेटी को बचाकर और अनुज को बर्थडे पर बहुत ही बड़ा गिफ्ट दिया, बाप बेटी का मिलन करवाकर। थोड़ी देर के लिए डिम्पी का मुंह क्यों सड़ा हुआ था, अनु ने बाप बेटी की बलाए ली और नजर उतारी। बेटी को बचाने में अनु क्या फना हो जाएगी? खावेरी और कॉफी महाराज भी उदास है, इंसान की कदर उसके जाने के बाद होती है। अब तो अनुज को भी शांति मिल गई होगी, अब तो बाप बेटी मिल गए। अब हॉस्पिटल में क्या कर रहे हैं बाप बेटी भी कम नहीं है अनु को हर्ट करने के लिए। साहा फैमिली ने तो हमेशा टॉर्चर किया है, बट ये बाप बेटी भी कुछ कम नहीं थे अनु को हर्ट करने के लिए। 5 साल पहले आद्या थी तो अनु नहीं थी, अनु थी तो आद्या नहीं, अभी फिर से आद्या आई तो अनु। क्या नसीब पाया है अनुज ने, इसके जिम्मेदार भी तुम ही हो अनुज। अनु की बात पर विश्वास करते, उसका साथ देते तो आज ये दिन नहीं दिखना पड़ता तुम्हें। अनु की हालत के जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ तुम हो।
अनु की जान के लिए बगैर इन बाप बेटी को विश्वास नहीं होता कि अनु इन दोनों से कितना प्यार करती है। इस हादसे से सा परिवार, बापूजी, आशा भवन वाले, यहाँ तक कि कावेरी और कॉफी भी रो रहे हैं। ऐसा लगता है कि एक माँ के साथ हुए हादसे से सारी कायनात रो रही है। इस सीन ने दिल को चीर कर रख दिया। अनु, प्लीज गेट वेल सून, वी ऑल लव यू। हमेशा अनु के साथ ही गलत होता है। अब आद्या भी अनु अनुज के साथ रहेगी। अब बाप बेटी मिलकर अनु की सेवा करना। तुम दोनों ने बहुत तड़पाया है अनु को। और आपका पहला रिव्यू, एक माह के साथ हुए हादसे से रो पड़ी पूरी कायनात। अनुपमा, मेघा माह के नाम पर कलंक है। सही कहा आपने कि प्रिया होती तो वो नहीं मारती। पाखी, तुषु, बा किंजल, मीनू, बा सागर, सब भी रो रहे हैं, सभी रो रहे हैं। मुझे मुख्य जानवर को भी एहसास है। कावेरी चिल्ला रही है, कॉफी उदास है। मुझे तो इन दोनों को देखकर बहुत ही रोना आया। आज का एक एक सीन फैंटास्टिक था। अब मेघा बहुत पछताएगी। आज रियल माँ की जीत हुई अपनी बेटी को बचा कर लाने में। आपकी भी दो माँ वाली कहानियाँ भी आज सच हो गई। और मेरी सभी बहनों को जो लाइव चैट पर थी वो, और हमारे हंग्री स्प्रिट के मेंबर है वो, और अंजु जी, आपको, आप सभी को मेरे बेटे को विश देने के लिए थैंक यू सो मच। अंजु जी, आपको भी दिल से थैंक यू सो मच। बाय गाइज, गुड नाइट। और कर का सीन तो और इमोशनल होने वाला है, देखते हैं कल क्या होता है। बाय गाइज, थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके इतने प्यारे रिव्यू के लिए। तो ख्याति जी, सबसे पहले तो आपको आपके बेटे के जन्मदिन की ढेरों मुबारकबाद। ये जो फोटो है आपके बेटे की बहुत ही सुंदर है और आप भी बहुत ही अच्छी लग रही हैं, पीछे एकदम हैप्पी हैप्पी, तो बढ़िया है। और आपका रिव्यू भी बहुत ही बढ़िया है, जो भी आपने कहा है अनुपमा के लिए। अनुपमा की तारीफ तो आज हर जन कर रहा है और आपने भी बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रखा है। थैंक यू सो मच ख्याति जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजु जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। आज का शो बहुत दर्दनाक और बहुत इमोशनल किया और बहुत ही मेहनत शो था। अभी आने वाले समय में भी जो दर्द देखने को मिलेगा वो वाकई में बहुत ही ये था। आज हमने देखा कि अनुपमा अपनी बेटी को देखने बाहर निकली, वहाँ आद्या को झूठ बोल रही है मेघा और उसको एयरपोर्ट लेके जा रही है और बताया कि मैं मंदिर रहने, झूठ बोल के लाए मंदिर के बारे एयरपोर्ट। और फिर कहते हैं ना कि कान्हा जी को कुछ और ही मंजूर है, वहाँ पाल शायद कान्हा जी की पालकी वाले जो लोग हैं, झांकी वाले लोग, उनकी भीड़ की वजह से अनुपमा सॉरी मेघा गाड़ी नहीं निकाल पाई और ये मौके का फ़ायदा आद्या ने उठाया और वो वहाँ से भागी। भागकर पहुंची गई थी अपनी मम्मी के पास, कुछ आवाज़ निकाल पाती उसके पहले मेघा ने उसे पकड़ के दबोच लिया और उसे बोलने नहीं दिया। अनुपमा बेचैनी हो रही है, यहीं कहीं मेरी बेटी है पर समझ में नहीं आ रहा, आवाज़ समझ में आ रही पर कहीं दिख नहीं रही हो, कहाँ जाए कैसे जाए। पर मेघा को जल्दी मेघा वहाँ से भागने की कोशिश उसने देख ली अपनी बेटी को और पीछे चली। उसके पैर में चोट लगी, उस चोट की परवाह किए बिना अनुपमा अपनी बेटी छोटी छोटी करके चली गया। अनुज भी परेशान हो रहा कि अनुपमा कहाँ चली गई, मुझे से बात करना है बाला काका। और सागर समझा रहे हैं पर अनुज समझ नहीं रहा है, अनुज को भी बेचैनी हो रही है वहाँ पे कि अब उसको समझ में नहीं आ रहा। वो एक तो उसकी हालत ऐसी है कि उसको समझने जैसा अभी हम बोल नहीं सकते, फिलहाल उसको कुछ नहीं कह सकते कि वो क्यों ऐसा कर रहा है, पर उसे बेचैनी तो हो रही है। अब यहाँ पे हमने देखा कि अनुपमा कैसे कार के सामने आके खड़ी होगी, देखा उन्होंने कि मम्मी आ गई सामने और वो कुछ सोच रहे हैं। मेघा ऐसा लगा उसके आंख पे से चलाएगी, मम्मी हट जाओ, मम्मी हट जाओ। आज आद्या का कार वाला सीन मम्मी के लिए हट जाने के लिए कह रही कि रास्ते से हट जाओ मम्मी, रास्ते से हट जाओ मम्मी, और वो छोड़ दो मम्मी को। और वो कार को रोकने की कोशिश और चिल्लाना चीखना आज आद्या का वो सीन भी बहुत इमोशनल कर गया और वो नेचुरल लगा, बिल्कुल नेचुरल लगा, कहीं भी और एक्टिंग या कुछ ऐसा नहीं लगा। और फिर उसके बाद उसने जैसे साइड से गाड़ी ली तो गाड़ी टकरा गई, गाड़ी रुकी, आद्या को अनुपमा को डर लगा कि कहीं छोटी को लगी तो नहीं, चिल्लाई वो। और जैसे देखा तो मेघा बस रे बस पत्थरों से
मारना शुरू कर दिया यार, वो सीन बहुत बुरा लगा कि अनुपमा को पत्थरों से मारा जाए। जा मार ये रुक जाओ, पास नहीं आना, मेरी बेटी। अनुपमा ने बहुत अच्छे से, इतने बावजूद अनुपमा ने उसको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी बेटी मिल जाएगी, जैसे मेरी बेटी मिल गई, दे दो मेरी बेटी को आप, मुझे 6 साल बाद प्यार मिला है, 6 महीने बाद मुझे मेरी बेटी मिली, मुझे मेरी बेटी दे दो। उसके पापा की दुआ दिखाई दी कि उसके पापा का क्या हाल है, एक बिजनेस टाइप हो उसका क्या हाल हो गया, उसके बेटी के बिना छोड़ दो, पर वो कहाँ मानने वाले, तो जिद पकड़ के बैठी है। और यहाँ पे हमने देखा कि अनुपमा ने जैसे वो उसको धक्का ये देखे गिरा के भाग रही होती है, तो अनुपमा ने हाथ पकड़ लिया, पर जब देखा उसने कि मेरी बेटी का हाथ खींचा जा रहा है, मेरी बेटी को दर्द हो रहा है, तो उसने वो हाथ छोड़ दिया। एक माँ ने हाथ छोड़ दिया निराश, तो यहाँ अध्याय को भी शौक लगा कि ऐसे छूट गया हाथ, और उसने भड़काने की कोशिश की कि तेरी माँ देख लड़ना छोड़ दिया। उसने कहा कि तू कैसी माँ है जो अपनी बेटी के हाथ में दर्द नहीं देखा, तूने अपनी बेटी के दर्द को नहीं देखा, क्यों दर्द हो रहा उसे। और उसने कहा कि तेरा हाथ कैसा है, तो आध्या को आज देखने जैसे हालत थी, आध्या देखते रह गए अपनी माँ की तरफ, और कैसे अनुपमा ने फिर वो उसके आंखों में धूल झोंकी और उसको वहाँ से भाग जाने के लिए कहा, पर आध्या नहीं भागी। आध्या बहुत अच्छा लगा आज आध्या ने नहीं भागी, आध्या रुकी कि मैं आपको लिए बिना नहीं जाऊँगी, आपके साथ ही जाऊँगी। वो माँ बेटी का सीन बहुत अच्छा लगा आज सच में। छोटी अनु बड़ी अनु ने अपनी एक्टिंग से सच में रुला दिया, अपने प्रदर्शन से रुला दिया। फाइनली अनुपमा पहुँच गई अनुज के पास और कहा, हैप्पी बर्थडे कपाड़िया जी, आपको आपके बर्थडे का सबसे अच्छा गिफ्ट आप कबूल कीजिए, बाप बेटी का मिलन। और यहाँ मेघा पहुँच गई चाकू लेके, अनुपमा ने देख लिया, अनुपमा ने उस को अपने ऊपर ले लिया। अब यहाँ कल आज अध्याय और अनुज की का मिलन देखा तो सारे लोग खुश थे, पाखी तोशु डिम्पी बाकी के लोग तो सब अनुपमा के बाप के भी आँख में आंसू थे, दर्द था बा के आँख में भी उस समय, पर वो माँ बाप बेटी के मिलन के लिए सबके का मैं खुशी पर कल सबके आँख में हमें दर्द और वो सब दिखेगा, क्योंकि हॉस्पिटल में हमने रिकेप में जो देखा कि सब रो रहे, सब परेशान है। आध्या करेगी अपनी माँ के लिए कान्हा जी से प्रेयर, और उसको अपने उस हर एक बात का पश्चाताप भी होगा, हर बात का पश्चाताप होगा, वो माफ़ी भी मांगेगी, और वो अपने बोलते हैं कि मेरी मुझे मेरी मम्मी लौटा दीजिए कान्हा जी। तो अनुपमा लौटेगी, पहले कोमा में जाएगी जरूर और लौटेगी भी, क्योंकि कुछ दिन तो दिखाएंगे ऐसा। हाँ, पर यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा कावेरी और डॉगी के लिए लगता है, वो बेजुबान प्राणी भी आज सच में। अनुज जी आपका वो शो वीडियो बहुत अच्छा था कि आज कायनात रो पड़ी अनुपमा के इस माँ की हालत के हादसे के साथ, तो वाकई में आज का सीन बहुत दर्दनाक था, कल भी बहुत दर्दनाक होगा, पर डेफिनेटली आज छोटी की माँ जिंदा हो जाएगी, छोटी के लिए अनुपमा आएगी, एक बेटी को अनाथ करके दोबारा नहीं जाएगी, वो देखना आ जाएगी, बिन माँ की बच्ची को अकेला नहीं छोड़ के जाएगी, देखना ऐसे ही होगा। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच वर्षा इतने अच्छे रिव्यू के लिए। जैसा ख्याति जी ने भी कहा, आपने भी उस बेचैनी की बात की है जो अनुज को हुई, और ये बड़ी ही जायज बेचैनी है। और अनुज के पास ना तो उस समय आध्या है, जिसको वो सोच भी नहीं रहा कि आध्या होगी, क्योंकि वो आध्या को मरा हुआ ही समझ रहा है, और अनु भी वहां पे नहीं है, मगर जितना मर्जी मरा हुआ आध्या को समझे, मगर जब से अनुपमा ने कहा है आध्या जिंदा है, एक उम्मीद अंदर है, मगर अपनी ही उम्मीद को नकारता है। इसीलिए ये बेचैनी होती है जब इंसान किसी एक चीज पे कंसंट्रेट नहीं करता, ये भी थॉट आता है, वो भी थॉट आता है, तो बेचैनी ही बढ़ती है। तो वो बेचैनी अनुज की आज दिखाई दी, और आपने सही कहा, बहुत ही नेचुरल था आज का एपिसोड, कहीं भी ओवर एक्टिंग नहीं लगी, बहुत बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच वर्षा। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी, मैं कुसुम बात कर रही हूँ, आप सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते, और ख्याति जी आपके बेटे को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आज का एपिसोड माइंड ब्लोइंग था, सबसे अच्छा एपिसोड आज का लगा, जिसमें एक माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपनी बेटी को बचाया। ऐसी होती है माँ मेघा, तुम जैसी माँ नहीं जो बिना सोचे समझे एक बच्ची की जान लेने लग गई। बेशक तुम्हारी बेटी खोई है, पर उसका ये इलाज नहीं है कि पागल होकर किसी को भी नुकसान पहुंचाओ। अगर माँ होना सीखना है तो अनुपमा से सीखो। आज सबको पता चल गया होगा कि अनुपमा जैसी
और कोई भी माँ नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसी कुर्बानी सिर्फ अनुपमा ही दे सकती है। आज सच में एक माँ की जीत हो गई अपनी बेटी को वापस पाने में। अनुपमा जिस तरह मंदिर में परेशान हो रही थी कि आद्या क्यों नहीं आ रही है, फिर उसका आद्या को ढूंढने निकल जाना, दूसरी तरफ आद्या बहुत खुश थी कि मैं आज अपने मम्मी पापा से मिलूँगी। बट जब मेघा ने गाड़ी मंदिर के सामने नहीं रोकी और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़ी, फिर आद्या को मेघा ने फोटो दिखाया जिससे साफ पता चल गया कि मेघा सब जान गई है। पर आद्या ने बड़ी चलाकी से मेघा को चकमा दिया और भागकर मंदिर आ गई। वो अनुपमा को पुकारने ही वाली थी कि मेघा ने आकर उसे पकड़ लिया। फिर जैसे तैसे अनुपमा ने आद्या को मेघा के साथ देख ही लिया। आज मेघा का पीछा करते वक्त उसे फिर से उसी पाँव में चोट लग गई जहाँ उसे पहले लगी थी। बिना अपने दर्द को देखे खून से लथपथ पाँव को घसीटते हुए अपनी बेटी को बचाने में लग गई। उधर अनुज को देखो तो आज उसे अनु की याद आ गई कि कहाँ है अनु। तब तो बड़ा उसे गुस्से से डांट रहे थे जैसे वो इंसान नहीं है। आज क्यों याद आ रही है अनु की तुम्हें, आज तुम फिर से पागल बन गए अनु अनु करते। बट आज जो भी फिर से हुआ, मेघा ने जो अनुपमा के साथ किया, एक माँ की लड़ाई जिसमें अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनुपमा गाड़ी के सामने से नहीं हटी, लड़ती रही अपनी बेटी को पाने के लिए। कितना दर्द था उसे, बट वो फिर भी हिम्मत नहीं हारी। जब तुमने आद्या को खींचना शुरू किया, उधर अनुपमा ने भी बेशक अपनी बेटी का हाथ पकड़ा, बट जब उसे पता चला कि मेरी बेटी दर्द में है तो उसने अपना हाथ पीछे हटा लिया। ये होता है माँ का दिल, जो बच्चे को जरा भी दर्द में नहीं देख सकता। आज पूरी तरह अनुपमा की छोटी वापस आ गई, जिसने अपनी माँ को अकेला नहीं छोड़ा और कहती रही कि मम्मी मैं आपके साथ ही जाऊँगी। आज अनुपमा ने अपना वचन पूरा कर दिया, एक बाप से उसकी बेटी को मिलाकर, जो वो किसी भी हाल में पूरा करके ही रहती। सबको खुश देखा जब आद्या अनु से मिली, पर वो मेघा जब आती है तो अनु उसके हाथ में चाकू देखकर समझ जाती है कि वो आद्या पर हमला करेगी। तभी अनुपमा अपनी जान की परवाह ना करते हुए वो चाकू अपने ऊपर ले लेती है। जब चाकू लगा अनुपमा को तो मैं बहुत रोई कि देखो एक माँ का प्यार, जिसे सब कहते थे कि अनुपमा अच्छी माँ नहीं है, आज उसने सबको बता दिया कि वो कैसी माँ है। मुझे बस डर इस बात का है कि कहीं अनुपमा कोमा में ना चली जाए, अगर चली भी जाती है तो कुछ एपिसोड ही हो जो ऐसे बीमार दिखे। क्योंकि अब अनुज, जो तुम अनुपमा के सामने हाथ जोड़कर उसका धन्यवाद कर रहे हो ना, जब वो तुम्हारी बेटी को लेकर आई थी, अब अग्नि परीक्षा तुम्हारी है अनुपमा को ठीक करने की, इस हालत से बाहर लाने की। कल को तो आद्या को भी अपनी माँ की अहमियत पता चल ही गई है, जो वो कहती है कि मम्मी मैं आपके बिना नहीं रह सकती। कहते हैं कि बच्चों की प्रेयर में बहुत शक्ति होती है। आद्या अपनी माँ को मौत के मुँह से ज़रूर वापस ले आएगी, और अनुज तुम भी उसका साथ देना, क्योंकि अनुपमा ने अपनी अग्नि परीक्षा पूरी कर ली है। और रही बात मेघा की, तो अनुपमा जब ठीक हो जाएगी वो मेघा को भी माफ़ कर देगी। उसे पता है कि उसने जानबूझकर ये सब नहीं किया। वो एक माँ है जिसने बेटी को खो दिया है, जिसकी वजह से ये सब हुआ है। आगे देखते हैं, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बढ़िया कुसुम जी, बहुत अच्छे से आपने आज अनुपमा के किरदार को मेंशन किया है। और माँ बनना सीखना है तो अनुपमा से सीखिए, बहुत बढ़िया। ऐसी माँ बहुत ही कम होती हैं, और ये अनुपमा ने कर दिखाया। उस सवाल का जवाब उस हर एक जन को दे दिया जिन्होंने ये सवाल किया था, कैसी माँ हो तुम। यहाँ तक कि अनुज ने भी ये सवाल किया था, और बिल्कुल सही कहा आपने कि अब अनुपमा ने तो अग्नि परीक्षा पास कर ली है बहुत सारे स्टार्स के साथ, अब अनुज की बारी है। अब अनुज का ये पूरा फर्ज बनता है कि अनुपमा का ख्याल रखे और अनुपमा को ठीक ठाक अपनी छोटी के पास लेके आए। अब अनुज की अग्नि परीक्षा है। थैंक यू सो मच कुसुम जी, आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अनुज जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड सुपर डुपर था। जो अनु ने आद्या से कहा था, जब आद्या ने परी को रूम में लॉक कर दिया था, और अनुपमा को जब यह बात पता चली थी तो उसने कहा था कि मैं अपनी जान दे देती लेकिन तुझे कभी कुछ नहीं होने देती, आज अनुपमा ने अपनी उस बात को पूरी तरह से साबित कर दिया। आज जिस तरह से अनुपमा आद्या की ढाल बनकर सामने आई है, वो सीन तो खैर था ही माइंड ब्लोइंग। आज इसको
जब ये आद्य को पता चलता है कि मेघा को इसकी सारी सच्चाई पता चल गई है और हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, तो वो झांकी की वजह से वो किसी तरह से वहाँ से निकलकर भाग जाती है। लेकिन मंदिर में पहुँच मंदिर तक पहुँच भी जाती है, लेकिन किसी तरह से मेघा उसको फिर पकड़ लेती है। और उधर आद्य बार बार अनुपमा को आवाज़ लगा रही है मम्मी मम्मी, उसको अनुपमा को कुछ महसूस तो हो रहा है लेकिन, और कुछ बेचैनी सी भी है, लेकिन वो अभी जो है उसको आद्य को देख नहीं पाई है। लेकिन जब मेघा उसको खींच कर ले जा रही है तो अनुपमा उसको देख लेती है और आद्य को देख लेती है और जो है वो उसके पीछे दौड़ती है। उसके पैर में खुद नारियल का वो टुकड़ा लग जाता है उसके, तो उसके पैर में वैसे एक तो वैसे ही चलने में उसके पैर में तकलीफ है, दूसरे उसके बाद उसके पैर में खुद और चोट लग जाती है, वो भी और तकलीफ हो गई। लेकिन फिर भी जैसे तैसे वो मेघा तक पहुंची जाती है और गाड़ी के सामने आके खड़ी हो जाती है। लेकिन मेघा तो पूरी तरह पागल हो ही चुकी है, बिल्कुल ही जिसे कहना चाहिए कैसे वो उसको खींच रही थी। ये तो खैर आपने अपनी स्टोरी में हमें बताया ही था कि असली माँ वही होती है जो अपने बच्चे का दर्द महसूस करती है। खैर अनुपमा उसका हाथ छोड़ देती है, लेकिन फिर भी किसी तरह से वो उसको उसकी आंख में धूल झोंक देती है और वो उसको लेकर के वहाँ से चली जाती है। और अनुज के पास जब वो पहुँचती है, उधर अनुज को बेचैनी हो रही है। आज मुझे अनुज का बिहेवियर आज भी कुछ समझ में नहीं आया, आज उसको क्यों इतनी बेचैनी हो रही, क्यों वो अनुपमा को ढूंढ रहा है। जब ब्लेम लगाता है तब जो है तब नहीं सोचता, कहते हैं ना, लेकिन जब अनुज को अनुपमा पे भरोसा ही नहीं है तो क्या क्या फायदा। कहते हैं कि भरोसे के बगैर प्यार पूरा नहीं होता। अनुज का भरोसा कहाँ है अनुपमा पर, कहाँ किस तरह से उसको वो करता है, कहाँ अनुपमा पे भरोसा है। खैर बाला काका और सागर उसको अनुज को वापस मंदिर ले जाते हैं और कहते हैं कि वहीं कहीं होगी अनुपमा, लेकिन बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है और वो बार बार देख रहा है, लेकिन अनुपमा उसको कहीं दिखती नहीं है। और अनुपमा किसी तरह से आद्या को मंदिर लेकर आती है और जब अनुज पीछे घूम के देखता है तो अनुपमा उसको दिखती है और साथ में वो आद्या को उसके साथ अपने साथ लाई है। उधर मेघा का पागलपन तो हम पहले भी, इसमें सबसे बड़ी गलती तो डीन की भी मानी जाएगी। जब पता है कि मेघा इतनी ही ज़्यादा वो है पागल है या साइको है तो उसको मेंटल असाइलम में रखना चाहिए था। ये नहीं कि ऐसे ही उसको घर में खुला छोड़ दो, या अब कल के एपिसोड में या परसों के एपिसोड में उसने कहा भी था कि मैं तुम्हें प्रिया के साथ अकेला नहीं छोड़ सकता। जब पता है कि मेघा की हालात ऐसे हैं तो फिर क्यों उसको घर पे रखा था उसने, उसको डॉक्टर को दिखाता। ये आद्या जो है ये मेघा का इलाज नहीं थी, कोई उसको कि इसको एक खिलौना थमा दिया, ले भाई तू उससे खेलती रहे और मैं अपने काम में बिजी हूँ, ऐसे नहीं होता। ऐसे मानसिक रोगियों को प्रॉपर ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। जो आज अनुपमा ने एक बात बिल्कुल सही कही है, इसको ये तो मेरी बेटी है, अगर आप अपनी प्रिया को ढूंढती तो आपको अब तक मिल भी जाती। लेकिन मेघा का तो क्या ही कहें, उसके सिर पर तो पागलपन वैसे ही सवार था। वो जब अनुपमा उसको मंदिर ले जाती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हें जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। अरे कुछ तो सीख लेती अनुपमा से कि माँ कैसी होती है, मेघा माँ नहीं है बिल्कुल भी। और वो जो है जब वो मंदिर पहुंचती है मेघा तो देखती है कि वो अनुज और आद्या गले लगे हुए हैं और वो चाकू उठाती है। तब जब तक वो उस पर वार करती तब तक अनुपमा उसको देख लेती है। और आज अनुपमा ने उसका जो मेघा का वार जो उसने आद्या पे किया था वो अपने ऊपर ले लेती है।
प्रीकैप जो है हमने देखा अकल का और भी ज़्यादा इमोशनल होने वाला है। वो दिखा रहे हैं कि कोई भी सब लोग बहुत उदास है ना, जो उसकी कावेरी है कॉफ़ी है सब लोग जो है परेशान है। और उधर आद्या, आज आद्या का बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूँगी कि जब अनुपमान ने आद्या को कहा कि तू मंदिर जा भाग यहाँ से, मैं यहाँ संभाल लूँगी, लेकिन आज आद्या ने अनुपमा का साथ नहीं छोड़ा। ये सीन भी बहुत ही बढ़िया था। आज जो है माँ बेटी का जो है प्यार या जुगलबंदी कह लो, जो भी आप कह सकते हैं, बहुत ही बढ़िया था। और प्रीकैप तो था ही माइंड ब्लोइंग। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल सही कहा सुजाता जी कि असली माँ वही होती है जो बच्चे का दर्द समझे, और मेघा ने साबित कर दिया कि वो असली माँ नहीं, वो माँ ही नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपना दर्द समझ रही है, बच्चे का दर्द नहीं समझ रही है। जैसा अनुपमा ने कहा, ना तो उसने प्रिया का दर्द समझा, उसको ढूंढा नहीं, वैसे ही उसने आद्या का दर्द भी नहीं समझा। तो असली माँ तो अनुपमा ही है। तो थैंक यू सो मच सुजाता जी। चलिए देखते हैं एबी का वीडियो। नमस्ते अंजू जी, और धन्यवाद अंजू जी आपका फीडबैक के लिए, और धन्यवाद सबको मेरे फ्रेंड्स मेरे लिए प्रार्थना और मिस करने के लिए, और हमेशा मुझे प्यारे प्यारे कमेंट्स करने के लिए। एंड मैं आप सबका भी वीडियोस देखे, और माफ़ कीजिए मैं पूरा डिटेल में कमेंट नहीं कर पा रही हूँ। जब मुझे टाइम मिलेगा मैं कमेंट करूँगी। एंड आज का एपिसोड तो बहुत ज़बरदस्त था, एकदम इमोशनल भी था, और कितना रिस्की भी था अनुपमा के लिए। एक माँ कितनी किस लेंग्थ्स और हाइट्स तक जा सकती है, ये माँ ही बता सकती है। हर एक माँ एक लायन जैसा बन जाती है जब उसके बच्चे के जान खतरे में है। एंड आज यही सीन पोर्ट्रे किया गया है अनुपमा सीरियल में, कि कितना मुश्किल से वो अपनी लाइफ में डेंजर में रखे उसने आद्या को बचाया मेघा से। मैं एक्चुअली आज बहुत बिजी थी, एंड मैं सोच रही थी कि मैं वीडियो करूँ या ना करूँ, बट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ब्यूटीफुल था आज का सीन, तो मैं रोक नहीं पाई अपने आप को वीडियो रिकॉर्ड करने में। तो या सब वहाँ टेंपल मंदिर में प्रे कर रहे हैं, क्योंकि इट इज़ खाना जी बर्थडे, एंड सब लोग उसमें हैं। लेकिन अनुपमा वेट करती होगी आद्या के लिए, और सोच रही होगी कि क्या हुआ, देर क्यों हुई। और आद्या तो भाग रही है, क्योंकि मेघा को पता चल गया कि वो फोटो देख लिया है आद्या का अनुज और अनुपमा के साथ। सो उसको वो उसको लेके भाग जाना चाह रही है एयरपोर्ट के पास, वो मंदिर के पास नहीं लेके जाती है। तो आद्या भाग के आती है, लेकिन फिर भी मेघा पीछे आती है। देन इतना अनुपमा को इंट्यूशन होती है, एंड देन वो आती है एंड उसके सामने आ जाती है कार के सामने। फिर भी मेघा रुकती नहीं है, बट आद्या भी फाइट करती थी। वो सीन बहुत ही इंटेंसिफाइंग और बहुत सुंदर सीन है, कितना रिस्की भी था। और अनुपमा हमेशा अनुपमा बहुत रिस्क भी लेती है, जैसे अनुज के टाइम पे भी उसने अनुज का ही जान बचाया, कितनी उसको लेके गए कार में। और अभी दोनों आद्या और अनुपमा दोनों फाइट करते हैं मेगा से। मेगा तो टोटली पागल ही है, उसको एक्चुअली ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। उसके हस्बैंड डीन है, डॉक्टर है, क्यों ट्रीट नहीं कर रहा है उसको। तो देखेंगे आगे का स्टोरी कैसा हो गया तो मेगा के साथ, क्योंकि उसने क्राइम भी किया है देन आद्या को किडनैप करने के लिए। एंड सो अनुपमा कैसे तो भी बचाती है, और आद्या की हेल्प से लेके आती है अनुज के पास। और अनुज उधर ही खड़ा रहकर कुछ करता नहीं है, हाँ सिर्फ झूमते रहता है, कुछ भी नहीं करता है। और अनुपमा ठीक है, अनुपमा ने बर्थडे गिफ्ट दे दिया अनुज को। और अभी वो बहुत अच्छा सीन है, जैसे वो लेके आती है आद्या को अनुज के पास, बोलती है ये तुम्हारा बर्थडे गिफ्ट है। सो बहुत महंगी गिफ्ट अनुपमा ने दे दिया अनुज को, वो कभी भी चुका नहीं पाएगा इसको। मैं सोच रही थी कि अनुपमा बेचारे क्यों, कोई क्यों नहीं आया उसको मदद करने के लिए, उसका पैर भी टूटा हुआ है। तो हमें अगर विजुअली सोचे तो कितना मुश्किल होगा, अनुपमा एक माँ, लेकिन माँ है तो माँ के अंदर बहुत खड़ेज आ जाती है जब उसके बच्चे खतरे में होते हैं। ये बहुत नॉर्मल है कि माँ के अंदर सडनली इतना ये आ जाती है। फादर के अंदर भी आता है, मैंने मना नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए फादर भी मदर भी। एंड बट मदर्स कभी भी कुछ दिखते नहीं है फिजिकली स्ट्रांग, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग है। जब सिचुएशन तो बहुत शेरनी बन जाते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, तो मैं ये जज्बा इस सिचुएशन को बहुत अच्छी तरह से समझती हूँ। मैं उसमें सिचुएशन में होती तो मैं भी अपनी जान को लगा के मैं अपने बच्चों को बचाती। तो
अंशु जी और नवीन सर आपका सबका वीडियोस मैंने देखा है अपडेट के बारे में, जैसे अनुपम आज जो होगा एंड जो हमने प्रीकैप में देखा है कि जो मेघा है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही कि प्रिया किसी और का नहीं होना, तो वो प्रिया को मारने के लिए आती है बट अनुपमा बीच में आकर चाके लग जाती है। और अच्छा लगा कि तोशु उसको रश किया हॉस्पिटल को, एटलीस्ट उतना तो सेंस है कि वो उसकी माँ है। एंड अभी टाइम है अनुज को रियलाइज़ होने के लिए उसने कितना कितना गलत किया है अनुपमा के साथ। हमेशा अनुपमा ही खड़े रहे सबको देखभाल किया, अभी देखना पड़ेगा कि अनुपमा को कौन देखभाल करेंगे। एंड आगे का स्टोरी देखना चाह रहे हैं क्योंकि बहुत सारे फेक अपडेट्स आ रहे हैं कि अनुपमा शॉर्ट छोड़ देंगे एंड पता नहीं नया वन राज आएंगे। बट बहुत इमोशनल है कि अनुपमा ये हाल में है, अच्छा नहीं लग रहा है। बट ये रियलाइजेशन अनुज और आद्या को तो हो ही गया है, बट अनुज को बहुत रियलाइज़ होना है कि अनुपमा उसके लिए कितना वो प्यार करती है और क्या क्या सैक्रिफाइसेस करती है उसके लिए, और जिसके वो वर्थ ही नहीं है, उसका 26 इयर्स का लव कुछ है ही नहीं अनुपमा के प्यार के सामने। ये मेरा रिव्यू है और आज के लिए इतना अंजू मैम, धन्यवाद सबको, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। बिल्कुल करेक्ट कहा कि बहुत महंगी पड़ी है गिफ्ट अनुपमा को, जो उसने अनुज को दी है, आद्या की गिफ्ट बहुत महंगी पड़ी है, जान पे बन आई है। और ये भी बात मुझे अच्छी लगी अभी आपकी कि माँ शेरनी बन जाती है जब उसके बच्चों पे कोई कष्ट आता है, कोई उसके बच्चों को तंग करता है, तो बहुत बढ़िया रिव्यू है अभी, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। नमस्ते अंजू मैम, नमस्ते नवीन सर और मेरी सभी फ्रेंड्स को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज का एपिसोड बहुत अच्छा, बहुत इमोशनल था, बहुत शानदार था। आज एक माँ जिसे विश्वास था कि मेरी बेबली जिंदा है, किस तरह से घायल होने के बाद एक साइको माँ से अपने बेटी को वापस लाती है। अनुपमा परेशान कि अभी तक छोटी क्यों नहीं आई मंदिर में, और आद्या खुश कि आज मैं मंदिर में अपने माता पिता से मिलूंगी। लेकिन आद्या कार को मंदिर की जगह एयरपोर्ट की तरफ जाने को लेकर मेघा से सवाल करती है, और साइको मेघा उसे अपनी फ़ोटो उसकी फ़ोटो दिखाती है और छोटी समझ जाती है मेघा के इरादे। और तभी कान्हा जी का चमत्कार, गाड़ी के आगे शोभा यात्रा और आद्या कार से निकलकर भागती है। लेकिन अनुपमा का दिल मंदिर में बेचैन कि मेरी बेटी कभी भीड़ में खो तो नहीं गई। आद्या भागती हुई मंदिर की तरफ, लेकिन साइको मेघा की पकड़ में आ जाती है और अनुपमा को आभास, वो चारों तरफ देखती है और फिर छोटी की झलक देखकर अनुपमा छोटी के पीछे भागती है। मंदिर में सब अपनी धुन में मगन झूम रहे हैं और अनुपमा अपनी छोटी को घायल पैर के साथ ढूंढती फिर रही है। उधर अनुज भी बेचैन अनु को ढूंढ रहा है और मंदिर के पास आके बेचैन, लेकिन सागर और काका अनुज को समझा के अंदर ले जाते हैं और मेघा जबरदस्ती छोटी को कार में बिठाती है, लेकिन अनुपमा कार के सामने अपनी बेटी को बचाने के लिए खड़ी हो जाती है। मेघा कार को साइड से निकालने के चक्कर में कार को टकरा देती है और कार रुक जाती है, और फिर दो माँओं की जंग। एक तरफ एक साइको मेघा माँ जो किसी भी कीमत पर आद्या यानी प्रिया को अपने पास से नहीं जाने देना चाहती थी, और वहीं दूसरी तरफ अनुपमा जो आज किसी भी कीमत में अपनी बेटी को हासिल करने की कोशिश कर रही थी। अनुपमा हर तरीके से मेघा को समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि प्रिया को ढूंढने की जगह आप आद्या को क्यों कैद कर रही हैं। सही बात है, अगर प्रिया खो गई है तो उसे ढूंढने की जगह जो प्रिया जैसी लग रही है, क्या आप उस बच्ची को घर पर कैद करोगे? आपको ये भी चिंता नहीं कि प्रिया कहाँ भटक रही होगी? अपनी बेटी के साथ तो गलत कर ही रही है मेघा, लेकिन दूसरे की बच्ची के साथ भी गलत कर रही है। लेकिन मेघा को ना तो डीन समझा पाया, ना उसका कोई ट्रीटमेंट करवा पाया, और मेघा आज इतनी बड़ी साइको हो गई कि दूसरे की बच्ची की जान पर बनाई। अनुपमा चोट खाकर भी, पत्थर खाकर भी मेघा को समझाती रही और आद्या को बचाने की कोशिश करती रही। अनुपमा की कोई भी बात मेघा समझ नहीं पा रही, और तभी अनुपमा छोटी का हाथ पकड़ती है और मुझे अंजू मैम आपकी स्टोरी याद आई कि दो माँओं ने कैसे अपने बच्चे पर हक जमाने के लिए उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचा, लेकिन सगी माँ अपनी बेटे बच्चे का दर्द नहीं देख सकी और हाथ छोड़ दिया। वही घटना आज हमने यहाँ पे देखी। उसी समय अनुपमा ने मेघा की आंखों में मिट्टी
डाली और छोटे को भागने के लिए कहती है। लेकिन आज बेटी भी माँ को नहीं छोड़ेगी। आज छोटी ने माँ को ना छोड़कर अपनी सारी गलतियाँ माफ़ करवा दी। और जब माँ बेटी की ऐसी जुगलबंदी हो तो कोई भी मुसीबत कैसे आ सकती है। मंदिर के बाहर अनुज परेशान, और तभी कान्हा जी बने बच्चे की टक्कर अनुज से, और अनुज को जन्मदिन पर कान्हा जी का आशीर्वाद मिलता है। तभी अनुज की निगाह अनुपमा पर और साथ ही आध्या पर, और अनुज हैरान। अनुज को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं, मगर अनुपमा कपाड़िया जी को बर्थडे विश करती है और अनुज को उसके जन्मदिन पर दुनिया का सबसे खूबसूरत तोहफा उसकी बेटी लाकर उसे थमा देती है। बहुत इमोशनल सीन था। मंदिर में सब लोग माँ बाप बेटी का मिलन देखकर खुश और भावुक हो रहे थे। अनुज, तुम कहते थे ना कि अनुपमा सब कुछ कर सकती है, देखो कर दिया ना अनुपमा ने। और अनुज अनुपमा के सामने हाथ जोड़ता है और अपनी बेटी को गले से लगाता है। और अनुपमा सबसे ज़्यादा खुश, उसने अपनी बेटी पाई। 6 साल तक उसकी नफरत सहती रही, लेकिन आज उसको अपनी बेटी से भरपूर प्यार मिल रहा है। और ऐसा प्यार जो माँ बेटी का प्यार कभी ना टूटने वाला हो। तभी साइको मेघा चाकू हाथ में लेकर आध्या पर हमला करती है, लेकिन माँ अनुपमा फिर बीच में आती है और चाकू उसके पेट में लगता है। बेटी पर आया वार भी माँ ने अपने ऊपर ले लिया। प्रीकैप तो और भी इमोशनल। तोशु गाड़ी चला रहा है और अनुपमा को अनुज गोद में लिए और छोटी की पुकार कि मैं आपके बिना नहीं रह पाऊंगी। सब हॉस्पिटल आते हैं और अनुपमा की हालत गंभीर। डॉक्टर उसको बचाने की कोशिश करते हैं और बाहर सब लोगों की आंखों में आंसू। आज सबकी आंखों में आंसू थे, चाहे पालतू जानवर हो या इंसान, चाहे ताने मारने वाले बच्चे और बा क्यों ना हो, यहाँ तक कि हम सब भी खूब रोए। आज एक माँ जिसने सब कुछ अपनी बेटी के लिए दांव पे लगा दिया, उसके लिए सबकी आंखों में आंसू तो होने ही चाहिए। उसे कान्हा जी, अनुपमा को कान्हा जी कुछ नहीं होने देंगे। प्लीज़ सेव हर। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर। रेखा जी बिल्कुल करेक्ट कहा कि अनुपमा का सवाल बिल्कुल सही था कि प्रिया को ढूंढना जरूरी है। प्रिया को ढूंढने की जगह आध्या को कैद करना कहाँ की जो है इंसाफ है, कहाँ का इंसाफ है। बिल्कुल करेक्ट है आपका ये सवाल जो अनुपमा ने किया, क्योंकि यही सवाल बनता था। अगर प्रिया कहीं जिंदा है तो वो आपकी वेट कर रही होगी, अपने पेरेंट्स की वेट कर रही होगी, जैसे आध्या कर रही थी। तो बहुत अच्छा अनुपमा ने इस बात को कहा और आपने भी उस बात को बहुत अच्छे से समझा और समझाया। थैंक यू सो मच रेखा जी। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। जो मैम, गुड मॉर्निंग नवीन सर, गुड मॉर्निंग टू ऑल माय लवली फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। राधिका बिनू बोल रही हूँ। कल का एपिसोड में जहाँ दिखाया जाता है अनुपमा उसी खिड़की से बाहर निकल जाती है, प्रिया की रूम से खिड़की से, जहाँ उसे डीन और मेघा की बातचीत सुन लेती है, जहाँ उसे पता चलता है कि उन्होंने अपनी बेटी खो दी है, जहाँ मेघा अपने आप को दोष देती है कि मेरी लापरवाही से हमने अपनी बेटी खो दी है, जहाँ वो आध्या को ही प्रिया मान रही है अभी। यहाँ डीन लाख कोशिश करता है ये कहते हुए कि हम गलत कर रहे हैं, एक 13 साल की बच्ची को इस तरह से कैद करके, और उसकी असली माँ बाप उसे ढूंढते हुए परेशान होते रहेंगे, जहाँ उनका हक ज़्यादा बनता है, जहाँ ये हमारी प्रिया नहीं है, आध्या है। यहाँ इतनी सारी समझाने के बाद भी मेघा अपने ही जिद में अड़ी है, जहाँ उसे लगता है कि ये ही प्रिया है। यहाँ अनुपमा को समझ में आता है कि ये लड़ाई बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि दूसरी साइड में भी एक बेबस लाचार माँ ही है, जहाँ उसने अपनी बच्ची को खो दिया है। यहाँ आशा भवन में आते ही अनुपमा किसी को ये बात नहीं बताती है कि उसने आध्या को मिला है। वो अपने एक्सप्रेशन अपने अंदर ही
रख देती है और उसको सिर्फ कल सुबह का इंतज़ार है, जहां उसने आध्या को बताया है किसी ना किसी तरह से मंदिर पहुंचने के लिए। यहां मीनू का अच्छा लगा कि जिस तरह से उसने स्टैंड लिया और उस लड़के के माँ बाप को उसने अपनी इच्छा और डिसीजन जाहिर किया। यहाँ बा नाराज़ हो जाती है मीनू के लिए, मीनू के इस बर्ताव से, और शाह फैमिली में सब एक दूसरे को ताना मारने लगते हैं। यहाँ मीनू ने अच्छा किया अपनी इच्छा और अपनी डिसीजन बताते हुए, जहाँ लड़की को भी हक है कि अपनी इच्छा और डिसीजन को लेने का। अगर वो ऐसा नहीं करती तो अपने लिए ही स्टैंड नहीं ले सकती तो दूसरे के लिए क्या हेल्प कर सकती थी। यहाँ अगले दिन सब लोग मंदिर पहुँच जाते हैं, आशा भवन के सब और शाह फैमिलीज में भी सब, जहाँ बा फिर से नाराज़ होके बापूजी से गुस्से से बात करती है, जहाँ आशा भवन के लोगों को भिखारी कहती है। बा इतनी गुजर होके भी इस तरह से बात करने का उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें ये पता होनी चाहिए कि किस्मत कब पलट जाए और वो किस मकान पे पहुंच जाए, जहां आज वो बेकारिन उनको कह रही है, कल उनके ही उनको उन्हीं के सहारा में जीना पड़े। यहां अनुपमा की नज़र आध्या पे ही, आध्या के इंतज़ार में ही है, और यहाँ अनुज अपने अंदर ही मग्न है, जहाँ वो भगवान से प्रार्थना कर रहा है। यहाँ मेघा को पता चल जाता है कि अनुपमा किस लिए बार बार उसके घर में आ रही थी, जहाँ उसे वो तस्वीर दिख जाती है आध्या की फैमिली की, जहाँ आध्या को इस बात का भनक भी नहीं है कि मेघा को ये बात पता चल गई है, जहाँ वो अगले दिन सुबह मंदिर के लिए करके निकलते हैं। आध्या के मन पे तो लड्डू फूट रहे हैं कि वो अपनी मम्मी से मिल रही है, पर उसे इस बात का भनक नहीं है कि मेघा को उसके बारे में सारी सच्चाई पता चल गई है। जहाँ मंदिर के रास्ते होते हुए मंदिर में गाड़ी ना रुकने में आध्या मेघा को सवाल करती है, तभी मेघा उसे तस्वीर दिखाती है, जहां आध्या को भी पता चल जाता है कि मेघा को सब कुछ पता चल गया है, और वो देरी ना करते हुए कोशिश करती है गाड़ी से उतर के भागने की, जहां कान्हा जी भी सहाय करते हैं। जहां पालकी निकलती है तो उसे मौका मिल जाता है भागने का, जहां भाग के वो मंदिर पहुंच जाती है और अनुपमा को भी आध्या देख लेती है, जहां वो आवाज़ देने ही वाली रहती है, मेघा उसे उसका मुंह बंद करके उसे साइड में खींच लेती है। यहां अनुपमा को भी बेचैनी होती रहती है कि आध्या अब तक क्यों आई नहीं है और उसे कुछ मुसीबत तो नहीं हो गई है। यहाँ अनुज भी बेचैन है अनुपमा को ना देखते हुए। यहाँ अनुपमा को आध्या दिख जाती है, जहाँ मेघा उसे ज़बरदस्ती लेके जा रही है, जहाँ अनुपमा उसके पीछे पीछे ही दौड़ती है और उसे फिर से पाँव को चोट लग जाता है। वो चोट को परवाह ना करते मेघा के पास पहुंच जाती है, जहां मेघा उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा के गाड़ी अनुपमा के ऊपर चलने ही वाली रहती है, थोड़ी ही डिस्टेंस से वो चूक जाती है, जहां वो गाड़ी एक दीवार पे टकरा जाती है, जहां फिर से इन दोनों के बीच में अनुपमा उसे समझाती है मेघा को कि ये आपकी प्रिया नहीं है, अगर आपकी प्रिया होती तो आपके साथ खुशी रहती थी, ये मेरी छोटी आध्या है, आपकी प्रिया को हम सब मिलके ढूंढेंगे, आप इतने वक्त से अपनी प्रिया को ढूंढने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हैं।
यहाँ मेघा कुछ समझना नहीं चाहती है, जहाँ वो आद्या को खींचती है। यहाँ अनुपमा भी आद्या को नहीं छोड़ना चाहती है, जहाँ वो भी आद्या को एक हाथ से खींचती है। जहाँ अनुपमा को महसूस होता है कि आद्या को दर्द हो रहा है, तो वो अपनी हाथ छोड़ देती है। ये मौका का फ़ायदा उठाते ही मेघा आद्या को भड़काने लगती है और उसने पुसलाने लगती है कि मैं ही तुम्हारी सच्ची माँ हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ा। जहाँ अनुपमा कहती है कि आप किस तरह सी माँ हो, आपको ये नहीं दिखा कि उसे कितना दुख दर्द हो रहा था। यहाँ आद्या को भी महसूस होता है कि अनुपमा ने किस तरह से अपनी चोटी को चोटी के दर्द को समझ लिया। यहाँ मौका मिलते ही दोनों लोग भाग जाते हैं मेघा के ऊपर, जहाँ वो मिट्टी डाल देती है, तो वो भागने में कामयाब हो जाते हैं मंदिर को। यहाँ मंदिर पहुँचते ही अनुपमा आवाज़ देती है अनुज को और आद्या को दिखाती है। जहाँ अनुज को विश्वास नहीं होता है अपने आँखों का, जहाँ वो देख के बहुत ही भावुक हो जाता है। यहाँ आद्या को भी पता चल जाता है इस दौरान कि उसके पॉप्स की हालत किस तरह से हो गई है। जहाँ वो देखते ही वो भी बहुत ही भावुक हो जाती है। और यहाँ सारे आशा भवन के और शाह फैमिली के चेहरे में खुशी दिखती है, जहाँ उसे उनको सबको आद्या को सही सलामत देखते हुए सबके चेहरे में खुशी होती है। पर ये खुशी ज़्यादा वक्त के लिए नहीं होती है, क्योंकि मेघा के ऊपर तो भूत सवार है। जहाँ उसे लगता है कि अगर उसको प्रिया नहीं मिली, तो अनुपमा को भी उसकी आद्या नहीं मिलना चाहिए। जहाँ वो आद्या को हमला करने की कोशिश करती है, बीच में अनुपमा आ जाती है और उसे चाकू लग जाता है। यहाँ वो देखते ही सबको जिस चेहरे में खुशी थी, उस चेहरे में घबराहट और अनुपमा के लिए परेशान हो जाते हैं। यहाँ तक पाकी और तोशु भी बहुत ही घबरा और परेशान हो जाते हैं अपनी माँ को इस हालत में देखते हुए। यहाँ प्रीकैप में दिखाया जाता है कि तोशु, आद्या और अनुज अनुपमा को लेके हॉस्पिटल में पहुँच जाते हैं, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। आगे देखेंगे किस तरह से अनुपमा को ये मौत के मुंह से बाहर निकलवा के लेके आते हैं। आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। बिल्कुल सही कहा राधिका जी कि अब देखना होगा कि अनुपमा को बाप और बेटी कैसे मौत के मुंह से निकालते हैं। आगे इंटरेस्टिंग होगा, बिल्कुल इंटरेस्टिंग होगा, सही कह रही हैं आप। तो थैंक यू सो मच आपके रिव्यू के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज। कैसे लगे आपको? आपका भी मन है अगर भेजने का तो जरूर भेजिए। HS कम्युनिटी का हिस्सा बनिए पहले और इस नंबर पे भेजिए। नंबर है 9833155523 और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।